ठीक है सर। फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स वाई की तमाम पॉसिबल वैल्यूज पुट करके जमा कर लें, दैट गिव्स अस द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स अलोन, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी ऑफ जी ऑफ एक्स इसको कह रहे हैं, और दूसरे को हम नाम से इशू नहीं होता, दूसरे को एच ऑफ वाई कह रहे हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई अलोन सर विद ऑल द एक्स। ये आपके पास मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन वो है जो आपने पहले चीज पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ी थी आपने एक वेरिएबल के साथ, फिर हमने जॉइंट कर दिया तो दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए। अब हम अगर उसको कन्वर्ट सर जो कम्यूटेटर वो थी वापस सीडीएफ थी सर, जो सीडीएफ से मिलकर जो पीएफ और जो पीएमएफ पढ़े ना अपने विद वन वेरिएबल, अगर बाय वेरिएट से यूनिवेरिएट पे जाना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज अच्छा कन्वर्ट कर सही। और ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है कि तमाम जो है ना बाय एक वेरिएबल की पॉसिबिलिटीज आपने टेकन इनटू कंसीडरेशन कर लिए इन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी सर, बेसिकली ये इसमें सीडीएफ ही है ना, ये सीडीएफ नहीं है, मतलब पिछली तमाम वैल्यूज को ये ऐड कर रहा है, ये सीडीएफ नहीं है, मतलब इधर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट तो वही है। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी जो आपकी है ना इनको आपने ऐड किया, सीडीएफ इज समथिंग एल्स, वो होता है कि एक्स इज लेस देन एक्स की तमाम वैल्यू, वो भी तो पीछे वाले सबको ऐड अप कर दो, वो होती प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो है कि एक्स इज लेस देन एक्स, यस सर, यहां पर एक्स आपका एक रीजन के अंदर लाइक करेगा, ठीक है, एक्स इज बिटवीन ए एंड बी सपोज, दिस इज नॉट सीडीएफ, ये पीडीएफ ही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है सर, ये तो फिर डिस्क्रीट वाला काम नहीं कर रहा है इधर, ये डिस्क्रीट वाला केस है और एक अच्छा अच्छा ठीक है, कंटीन्यूअस के केस में हम जो वेरिएबल के अलावा अदर वेरिएबल है उस पर इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। यार प्लीज आप लोग क्लास में बैठे इसके हिसाब से देखें, ये वही सेम एग्जाम्पल है जी, मुझे ये बताएं जी ऑफ एक्स कहाँ लिखूंगा मैं, इधर या उधर, पहले ये इधर लिखेंगे जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स मींस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, यूनिक वैल्यू, एक वैल्यू पे सर जी ऑफ एक्स एक एक्स की वैल्यू पे वैल्यूएट होगा ना, फिर सर यहाँ नीचे होगा, नीचे लिखेंगे ना जी, बताया यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ कौन सा होगा, यहाँ पे जीरो सर, ये जी ऑफ जीरो हो गया, एक्स इज अ पर्टिकुलर वैल्यू जी ऑफ वन, और यहाँ पे एच ऑफ वाई आपके पास एच ऑफ जीरो सर, अच्छा आई का कैसे, इन तमाम को जमा कर दें, ऐड अप कर दें 6 बाय 5 12 बाय 5 ये करेगा आपके पेपर का प्रॉब्लम, इससे आपका जी ऑफ जीरो निकलेगा, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी और विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 सर, इसमें वो दूसरी वाली में क्या कर रहा है, पहले दो वेरिएबल थे ना, अब एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा है उसको, एक वेरिएबल हो रहा है इसको मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का, अभी भी कॉलम और रो में दिख रही है, ये कॉलम्स है ना ऐसे ऐसे करके जी ऑफ एक्स निकलेंगे, ये जी ऑफ वन है, ये जी ऑफ जीरो था, जी ऑफ वन है और जी ऑफ टू है, सबको ऐड करने के बाद ठीक है, और नॉर्मली अगर ऐड करेंगे तो ये एच ऑफ जीरो है, एच ऑफ वन वन यहाँ पर, तो बस वाई है ठीक है सही है, ये वाई जीरो है ना यहाँ पे सब में वाई एक ही रहता है जीरो, तो ये एच ऑफ जीरो निकलेगा ठीक है, दिस इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई जो एच है, और उसको जमा कर लें with respect to x for x is equal to 0 sir ye humne piche bhi is tarah ka kuch kiya tha na maine karwaya tha wo yahi karwayi thi cheez acha distribution ko calculate karwayi thi aapse ab hum formally kar rahe hain acha theek hai sir pehle thoda informally kar rahe hain isme ek variable aa jayega na acha is calculation kare sabki na ye jo calculations aap kar rahe the na column wise yes sir wo actually aise hi hoti hai is tarike se kar rahe hain calculation ठीक है, अभी आपने आइडिया देख लिया है कैसे कैलकुलेट कर, सर इसी तरह फिर एच को भी निकालेंगे, एच को भी, एच के केस में जो है ना आप एक्स को वेरी करेंगे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ठीक है सर, 0 1 एक्स इक्वल टू 0 1 1 2 इन सबको ऐड करते हैं ठीक है सर, ठीक है ठीक सर, करें पेपर पे सॉल्व इसको, 1 माइनस सॉल्व कर ले, फिर मैंने भी यहां से सर 0 को जा रहा है, 10 मिनट रहते हैं।
g of x is equal to यहाँ पे minus infinity से infinity d by y के रिस्पेक्ट से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से वन y दिया हुआ जीरो से वन तक इसको इंटीग्रेट कर दिया लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट किए अब फंक्शन ऑफ x बन गया ये हमारा g of x है ठीक है and this particular is for defined for between जो x आपका दिया हुआ ना जीरो से कितना दिया हुआ x सवाल में उसके लिए ये वैलिड है g of x is defined for एक मिनट जरा सवाल दोबारा से देखिए ना यहाँ पे ये आपका डिफाइंड है इस वाले एक्स के लिए ये उल्टा है ठीक है जी ऑफ एक्स इज वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू वैल्यू ऑफ एक्स यस ये सात कंडीशन आएगी उसके आखिर में जितनी है सर ये तो उल्टा ही हो गया ना कि जी ऑफ एक्स को हम वाई की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं और एच ऑफ वाई को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स से ठीक है सर दिस इज फॉर एक्स आपका जो है ना और